नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह हमारा हेल्पलाइन नंबर बचा। हमें लगा किसी कुत्ते या गाय के लिए कॉल होगी, बट इस बार जो हुआ उससे हम हैरान रह गए। इस बार एक मोर के लिए कॉल आया था, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर। हमें कोई आइडिया नहीं था क्या करना है, मगर फिर भी हम, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हम किसी भी पशु को या पक्षी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। हम साइट पर गए, हमने देखा कि एक मोर ज़मीन पर बेसुध होकर पड़ा हुआ है। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा था। हमें कोई आइडिया नहीं था क्या किया जाए। तुरंत ही हम उसे वेट के पास लेके गए और वेट ने हमें सजेस्ट किया कि हम इसे रोहतक के किसी जू में छोड़ दें। ऐसे ही तो किसी जू में नहीं छोड़ सकते थे। इधर उधर से पता चलने के बाद हमें ये मालूम हुआ कि रोहतक में वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जहाँ इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। बड़ी ही रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने हमें इसे लाने की परमिशन दी। उस दिन हमारे पास उसे ले जाने के लिए कोई व्हीकल भी नहीं था। इधर उधर से बात करके जैसे तैसे हमने एक गाड़ी अरेंज करी। हम और हमारा वॉलंटियर हनी उसे लेकर रोहतक जू गए। वहाँ जाकर हमने इसे उस अथॉरिटीज़ को दिया, वहीं पे इसे शेल्टर मिला। दो दिन बाद इसकी सर्जरी हुई। इसके पैरों में चोट थी और पंखों में भी चोट थी, और इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से इसकी दिमागी हालत पर भी असर पड़ा था। परंतु खुशी की बात यह है कि हम उसकी जान बचा पाए। आज वह बिल्कुल स्वस्थ है और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट वालों ने उसे अपने ही फॉरेस्ट में रिलीज भी कर दिया है। हमें बहुत खुशी है कि हम अपने राष्ट्रीय पक्षियों की जान बचा सकें।